इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। इंसान कई बार अपनी समस्याओं का जवाबदार नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके परिणाम उसे भुगतने होते हैं। ये नाइटाफोबिया भी ऐसी ही बीमारी है। नाइटाफोबिया मतलब रात में डरने वाली बीमारी। बचपन में हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो हमारे मन में घर बना देता है, तब आदमी इससे प्रभावित होता है। इस समस्या का कोई निदान नहीं है डॉक्टर? कुछ समस्याओं का कोई इलाज नहीं होता है, उन समस्याओं के साथ ही जिंदा रहना पड़ता है। इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इससे फाइट करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है नंदिनी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अनीता के पापा रामनाथ को इन लोगों ने कर्ज दिया, ये सच है। रामनाथ ने वो कर्ज नहीं चुकाया, ये भी सच है। पर इन्होंने जो कर्ज दिया था उसे कर्ज के रूप में मांग रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। इनफैक्ट इनका कर्ज देने का उद्देश्य ही कुछ और था। तुम चाहो तो तुम अपने पापा का कर्ज चुका सकती हो, ऐसा कहकर अनीता को इमोशनल ब्लैकमेल किया, सेक्सुअल फेवर के लिए फोर्स किया गया। ये बहुत बड़ा पाप है योर ऑनर। पाप कोई भी करे उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आईपीसी सेक्शन 354A के मुताबिक सेक्सुअल हरासमेंट, 354D के मुताबिक स्टॉकिंग और 499 के मुताबिक अनीता को डीफेम किया गया है, इसे कंसिडर करके इन तीनों गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, यही मेरी दरख्वास्त है योर ऑनर। इतनी हिम्मत वाली नंदिनी रात में कैसे रहती है पता है? Thank you.
ऐसे क्यों चिल्ला रही है तू? क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ इसलिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू इतना गुस्सा कर रही है? मुझे जिन भी चीजों से डर लगता है वो सब करके तुम मुझे मारने का प्लान बना रही हो और मुझसे पूछ रही हो कि मैं चिल्ला क्यों रही हूँ। अरे इस वक्त पर भूत का गाना चलाकर हीरोइन की तरह इधर उधर घूम रही हो। हाँ मुझे चाकू से डर लगता है तुम्हें पता है ना, फिर उसे यहाँ क्यों रखा तुमने? रात के समय मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, ये बात तुम्हें पता है ना? रात में तुम्हें डर लगता है और रात भर जाकर तुम्हारी रखवाली करनी है ये सोचकर मैं डर रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द तेरी लाइफ में एक लड़का आ जाए। इस नाइट ड्यूटी को उसे ट्रांसफर करके अंकल के साथ आराम से सेटल हो जाऊंगी, यही सोच रही हो ना? ये कभी भी सच नहीं होने वाला। मुझे पसंद आने वाला लड़का ना मिला है ना कभी मिलेगा। ए नंदू, तू ऐसा क्यों सोच रही है? तुझे भी एक अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा। जेके आलियास जयदेव कन्नप्पा, ऐसा विचित्र नाम इस इंसान को किसने दिया? इसके माँ बाप इसके दादा के बहुत बड़े फैन हैं। माँ को दादा का एक्शन पसंद है, बाप को दादा का रोमांस पसंद है, इसलिए दादा की दोनों खूबियों को मिला के अपने बेटे का एक फिल्मी नाम रख दिया। ये जेके आज इतने जोश में क्यों है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इस सवाल का जवाब है नंदिनी। इन दोनों के बीच प्यार का चक्कर कैसे शुरू हुआ, आइए हम लोग उसकी हाइलाइट्स देखते हैं, बस एक छोटी सी कहानी के तौर पे। ए, दिखाई नहीं देता, आंखें खोलकर नहीं चल सकते? अंधे हो तो जाकर इलाज करवाओ। सॉरी 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 सॉरी। क्या सॉरी? हटो। सांड की तरह फेस टू फेस माथा फोड़ दिया। फेस टू फेस कहाँ माथा फोड़ा जी, फेस तो टच ही नहीं हुआ मैंने तो। खुद को क्या समझते हो हाँ? कहीं भी आ जाकर लड़कियों पर गिर गिर कर बस मजे उड़ाना है ना, यही काम है ना तुम जैसे लड़कों का? हेलो, लड़कों के बारे में ऐसा गलत मत बोलो। लड़कियों पर गिरकर मजे उठाने वाले चीप लड़कों में से मैं नहीं हूँ। वो तो तुम लोग आईने के सामने टाइम वेस्ट करके चिकनी बनकर आती हो ना, इसलिए ना चाहते हुए भी नजर फिसल जाती है, इसलिए थोड़ा घूर लेता हूँ, है ना? घूरोगे आईपीएस सेक्शन 349, 350, 351 के तहत अंदर करवा कर जब लेडीज पुलिस से मार खाओगे ना तब अकल ठिकाने आएगी। ए, लड़कों का ना तोड़ने का डिपार्टमेंट होता है, टूटने का नहीं। नॉनसेंस। लड़की तो आई पर काम नहीं बना, पर नंदिनी फिर से मिले बिना नहीं रह पाई। ऐसी सिचुएशन के बीच में चलने वाली तू तू मैं से शुरू हुई ये प्रेम कहानी। तुम कोई बहुत बड़े डॉन हो क्या? ना, अंदर आना है तो आओ वरना। डोर क्लोज करो। एक राजा एक थी रानी, फिर शुरू हुई कहानी बाद में। ये क्या हुआ? लिफ्ट ने जर्क क्यों मारा? आप जैसी सुंदर लड़कियां ना नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे बेकार का राउंड मारती है, तो बेचारा लिफ्ट कब तक चलेगा, इसलिए जर्क मारकर खराब हो गया है। क्या खराब हो गया? अरे अब क्या करूं, रात होने से पहले मुझे घर पहुंचना है। हेलो, हमें भी रात में घूमने का शौक नहीं है। तो फिर ऐसे शांति से क्यों खड़े हो, कुछ करो ना। हाँ बिल्कुल नहीं है? एक तो ये लिफ्ट खराब है, ऊपर से एक लड़का और लड़की, कुछ करेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। ए, ज्यादा स्मार्ट मत बनो हा? मेरे कहने का मतलब है इस लिफ्ट का कुछ करो। ए, मैं क्या कर सकता हूँ, तब तो ये केस वो केस मुझ पर ठोक रही थी ना, अब ये लिफ्ट पर भी एक केस ठोक दो ना। तुम ना कोई काम के नहीं हो। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ मैं? क्या तुम्हें लिफ्ट रिपेयर करने वाला दिखता हूँ? नेटवर्क भी नहीं है। hey, तुम अपना फोन दो। नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, दो। नहीं मैं नहीं दूंगा। कैसे इंसान हो तुम, दो चलो
अरे अरे नहीं नहीं, गुदगुदी हो रही है। दूर ना। अरे नहीं नहीं, अरे हाथ निकल। इस घटिया फोन के लिए तुम इतना टेंशन मार रहे थे? एक स्मार्टफोन क्यों नहीं ले लेते तुम? स्मार्ट लोगों को स्मार्टफोन की क्या जरूरत? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि 10 रुपए का रिचार्ज करवा सको? हे भगवान, ये लो अपना फोन, नहाते वक्त पैर रगड़ने के काम आएगा। थैंक गॉड वापस दे दिया। पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा, यहाँ आकर इसके साथ फंस गई। छे, छे, मेरी तरफ से भी छे। लिफ्ट ठीक हो गई? अरे हाँ, ठीक हो गई। हेलो स्मार्ट बॉय। हाँ, मी हाउ कैन आई हेल्प यू अगेन? हेल्प लिफ्ट में जो हेल्प की वो काफी थी, पहले जाकर बैलेंस डलवा दो। देखा, ये सिलसिला शुरू हो ही गया, प्रेम कथा शुरू हो गई। अरे तुझे कोई काम मिला या नहीं? रोज मेरे पॉकेट से 100 रुपए कम होते जा रहे हैं, लेकिन तेरी नौकरी नहीं लग रही। ऐसे कुत्ते की तरह जो भौंक रहा है वो है इसके बचपन का दोस्त ऋषि केतु। मेरा शॉर्टकट आइडिया तो तू मानता ही नहीं है। अगर तूने मेरी थोड़ी भी बात मानी होती ना तो आज तू किसी काम पे लग गया होता। चला था अपना दिमाग लगाने, बगल में बच्चा और गांव में ढिंढोरा। ए ऋषि केतु, प्रैक्टिस करके मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं मैच के लिए तैयार हूँ। ओए कैसी प्रैक्टिस? हाँ अरे मैं बात कर रहा हूँ, तू वहाँ कहाँ जा रहा है? क्या प्रैक्टिस किया तूने? नॉनसेंस फेलो, सोचा था 2 पैसे कमा के सुखी जीवन जिएंगे, पर बात तो तेरे पल्ले पड़ ही नहीं रही है। ए रुक ना, कहाँ जा रहा है? मैं तुझसे जरूरी बात कर रहा हूँ और तू यहाँ चला आया। तुझे क्या मैं दूध पीता हुआ बच्चा लगता हूँ जो मैं बके जा रहा हूँ और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये बड़ा गेम है, यहाँ आँख बंद करके लोग निशाना लगाते हैं। लाइट ऑफ करते हैं। क्या लाइट ऑफ? मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है क्या? मैं अभी सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने डांट दिया तो कहीं मुझे मारने का प्लान तो नहीं बना रहे? अब ये क्या करने वाला है? लाइट ऑन कर। सच में क्या हुआ? अंधेरे में भी तूने निशाना एकदम ठीक लगाया भाई, सुपर भाई। मैंने कहा निशाना लगाया है? सही जगह इससे देख के आ। उजाले में नाभि ठीक से दिखती नहीं, लेकिन अंधेरे में तूने नाभि के अंदर वाले तिल पे निशाना बहुत बढ़िया लगाया। बॉस इतने दिन तुम कहाँ छुपे बैठे थे बॉस? हैं? टेंशन में न जाने मैंने क्या क्या बोल दिया। रात में बिना हेडलाइट के बिना ट्रैफिक लाइट के गाड़ी चलाने वाला टैलेंट कहाँ छुपा कर रखे हुए थे बॉस? बॉर्न टैलेंट है ये। जानता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना बर्दाश्त कर रहा हूँ। ऋषि केतु रिमोट कहाँ है? अरे वही टेबल के नीचे रखा हुआ, दिखाई नहीं देता क्या? जो चीज जहाँ होनी चाहिए वही रखा करो, राइट साइड का सामान लेफ्ट में रख देते हो। हे तूने रखने की बात कही तो मुझे याद आया, कल मैं अपना कमरबंद गिरवी रख रहा हूँ। अरे भाई साहब इसे कौन रखेगा? हेलो चांदी का है, कम से कम आधा किलो का तो होगा ही। क्या? हाँ चाहो तो देख लो कितना बड़ा है, मेरे दादाजी ने दिया था। कल इसको गिरवी रखूंगा, डॉट गेम खेलूंगा, पैसे बनाऊंगा और उस मारवाड़ी के पैसे चुकाऊंगा। दुनिया में जब जब जो जो होना है तब तब वो होकर ही रहता है, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है नंदनी और जेके। भाई हाँ, दोपहर को बिरयानी खाऊंगा इसलिए सुबह के नाश्ते के पैसे भी मैंने यही लगा दिए। अब वाटर मिलेगा या क्वार्टर मिलेगा ये सब तेरे हाथ में है। देख 3 पीने और 5,000 रुपए, महाभारत में अर्जुन ने जैसे मारा था एकदम ठीक निशाना लगा के सेंटर पे मार दो। देखो, 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 देखो
ए, मेरे पास मत आना वरना इस लड़की का गला काट डालूंगा। दूर हटो सब लोग, दूर हटो। मैं कैसे बचाऊं, मुझे तो खुद चाकू से डर लगता। डालूंगा तो छोड़ दे उसे। चाहे तो तू भाग जा, लेकिन उसे छोड़ दे। पुलिस को समझ क्या रखा है? ए, सर, लड़की को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। संभाल कर ले जाना। देखने में तो बड़े शरीफ से लगते हो बेटा, लेकिन तुम्हारे लिए ये जगह नहीं बनी है, इसलिए यहाँ से 9-11 हो जाओ। बोर्ड पे मरना था तो आदमी को मार दिया। चल तुझे घर चल के बताता हूँ। सर, ये लोग बड़े गुंडे थे क्या? चला चला जाओ यहाँ से। कौन है रे तू? ओ, इसको ढूंढ रहा है तू? मैं अपनी खोई हुई चीज तो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, इसको कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? जब आ गया से क्या? मेरी बीवी की फोटो दू क्यों? मैंने नहीं देखा। तू कैसा दोस्त है यार, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम में डाल दिया। बोर्ड पे निशाना लगाने को बोला तो तूने गुंडे पे निशाना लगा दिया। मैं उस मारवाड़ी के डर से मास्क पहन के घूम रहा हूँ, देख ले। तू ऐसे ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तू कोई के चल रहा यार। क्या रे, क्या हुआ? अरे वो देखो वहाँ, अरे वहाँ वो बटला क्या? हाँ वही। तू उसे डर क्यों रहा है? अरे तू चल, मैं बताता हूँ। You stand tall, dude. सुन, उसका नाम नागा है, फिटिंग मास्टर है, बहुत सनकी इंसान है। भगवान ने उसे जुबान ना देकर बहुत अच्छा किया, नहीं तो वो गांव गांव में आग लगा देता। ऐसा क्या? मैं सही से रहूं ये बात वो बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे बर्बाद करने के लिए ही पैदा हुआ है वो। अच्छा हुआ, ग्रेट एस्केप। कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स गो। नागा, ए, तुम चलना। जैसे ही मुझे पता चला, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। थैंक गॉड कि कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर, आप सच में मुझे देखने आए हैं? हाँ नंदिनी, मुझे देखने आए हो, लेकिन तब से शबरी को ही देखे जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे शबरी, कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। हे भगवान, अब चोर आकर हमारी गर्दन पर चाकू रखेगा हमें पता था क्या? थैंक गॉड वो लड़का भगवान की तरह आया और हमारी नंदू को बचा लिया। नंदू, एक बात तो बोलूंगी, वो लड़का एकदम फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था। वो हाइट, वो पर्सनालिटी और उसकी आंखें इतनी शार्प थी कि क्या बताऊं। तुझे ना ऐसा ही लड़का मिलना चाहिए नंदू। जेके कौन से खेत की मूली है ये जाने बिना ही जेके नंदिनी का फेवरेट बन गया। भगवान जी, एक मुझे छोड़कर आपने सबको खुश रखा है। वैसे मैंने ऐसी कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड रख दी है आपके सामने? एक अच्छी सी नौकरी, एक बीवी जो मेरा ध्यान रखे, मर्द हुई ये प्रूव करने के लिए 2 बच्चे, बस इतना ही ना? छोटी छोटी इच्छाएं आप पूरी नहीं कर सकते तो मैं आपकी पूजा क्यों करूं? ओके, नो प्रॉब्लम, आगे अपनी गलती को सुधार कर ड्यूटी ठीक से निभाओ। हाँ देखा, पक्का तुम्हें ना दिखने की बीमारी है। उस दिन तुमने शॉपिंग मॉल में धक्का मारा था और आज नमस्कार करने के वक्त मेरे ऊपर गिरकर। हेलो, मुझे क्या? तुम बात मत करो, तुम जैसों पर हरासमेंट का केस लगाकर जेल की रोटियां खिलानी चाहिए। आप जेल की रोटी खाती हो क्या? What? जब देखो मुझसे झगड़ा करने चली आती हो। मैं आती हूँ। मैं आती हूँ। ये क्या हो रहा है? अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम चुप रहो शबरी। नहीं, तुम सुनो, इस बदमाश को नहीं जानती। सॉरी, वो मेरी नंदू थोड़ी बेवकूफ है, शबरी बहुत ज्यादा बोलती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। ए नंदिनी, तुम्हें पता है ये लड़का कौन है? ये वही है जिसने तुम्हें चोरों से बचाया था, यही है तेरा हीरो। Thank you.
एक्सक्यूज मी योर ऑनर, आपने जैसा सोचा है मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ। मुझ पर लगाए गए सारे इल्जाम वापस लोगी? योर ऑनर नहीं, नंदिनी। जेके, चले नंदिनी, बाय बाय, सी यू सून, ओके बाय। क्या बात है नंदू, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? शबरी, नीचे तुम ऊपर डॉक्टर, कभी डॉक्टर नीचे कभी तुम ऊपर, कभी ऐसे गिरकर रोलर की तरह रोल किया है क्या? नहीं तो, कभी नहीं। तो फिर मेरी फीलिंग तुम्हें समझ में नहीं आएगी। हाँ सोचो शबरी, लाइट लाइट ऑन है और पूरी रात ऑन ही रहेगी। लाइट ऑन रहेगी तो मैं शांति से कैसे सो पाऊंगी? सपना देखने में डिस्टरबेंस होगा ना, ऑफ कर दो। गुड नाइट। गुड नाइट। ओहो, सोचा था सपने में करीना आएगी तो रोमांस करूंगा, लेकिन ये लाइट ऑन ऑफ करके मेरे सपने का कचरा कर रहा है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इसका बैंड बजा दूंगा, फिर मैं देखता हूँ ये क्या करता है। तब से लाइट ऑन ऑफ करके झुमके को देख रहा है, मैं सोऊं या नहीं पहले ये बता। झुमका नहीं देख रहा हूँ ऋषिकेतु, मैं उसे फील कर रहा हूँ। अपना फील अपने पास रख, क्या टेंशन की वजह से मेरी हालत खराब हो गई और तू इतनी रात में अपनी फीलिंग समझा रहा है? देख, मेरे चांदी का कमर बंद चला गया, रो रो के मेरी आंखें सूज गई, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरे आंसू की नदी में इश्क की डुबकी लगाते तुझे शर्म नहीं आती? कैसा आदमी है रे तू। चांदी का कमर बंद गया तो क्या हुआ ऋषिकेतु, सोने का मुकुट दिलाऊंगा तुझे। हाँ, चल रहने दे अपनी बकवास, ये सारी बातें तू नहीं बोल रहा है, तेरे हाथ तो वो झुमका बोल रहा है। अब तक तू शिकार के पीछे भागता था, अब शिकार ही तेरे पीछे पूरी तरह से पड़ गया है। ऑल द बेस्ट, चुपचाप सो जा, गुड नाइट। अरे मैं रहेगा 5 बजे के बाद। मेरी जान, गलत तो तुमसे देखा नहीं जाता ना, अब देखेगी तू कैसे हम लोग मिलके तेरे साथ गलत काम करते हैं। अब आना पनिशमेंट दे, आना, आजा आजा आजा। हेलो, आज गवर्नमेंट हॉलिडे है, कोर्ट नहीं खुलता, इसलिए पनिशमेंट मैं ही दूंगा। ओ जा रे भाई, ये हीरो लोगों की यही एक प्रॉब्लम है, करेक्ट टाइम पे एंट्री मारते हैं। अभी बच्चा यार, तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, इसे छोड़ देते हैं यार। आप लोग खुद ही मेरा कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हो भाई लोग, हमें भी एक बार चांस देकर देखो, तभी तो हम अपना जलवा दिखाएंगे। तो क्या करेगा, अरे मारेगा क्या, मार ना, मार मार, अरे मार ना, आना आना। क्या बात है, अच्छा मारता है रे, अपने चारों तरफ दे।
थैंक्स। वेलकम। ये कैसा मिरेकल है ना, मुझे तो फिल्म जैसा फील हो रहा था। मुझे जब प्रॉब्लम होती है तुम कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाते हो और मुझे बचा लेते हो। अच्छे लोगों पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, अक्षमात अगर आती है उनकी रक्षा करने के लिए कोई अच्छा ही आ जाता है। ये तुम्हारे पास था? मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। अच्छे लोगों का कुछ भी नहीं खोता है, अक्षमात खो भी जाए तो किसी अच्छे को ही मिलता है। थैंक्स अगेन। तुमने मेरी जान बचाई और आज मेरी इज्जत। एक लड़की की जान मान कौन बचाता है पता है तुम्हें? जो दिल के करीब होता है या फिर आगे जाकर दिल के। जैसे तैसे अब प्रपोज करने का टाइम आ ही गया, अब आगे घटने वाला है एक आश्चर्यजनक किस्सा। हाय। हाय। शांत क्यों बैठे हो जेके, कुछ बोलो ना। बात करने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन क्या बोलूं, कुछ आ नहीं रहा है। क्या कहा? तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव। मेरा बी पॉजिटिव। ये क्यों पूछ रहे हो? एक्चुअली भगवान ने सबको एक ही रंग का खून देकर ब्लड ग्रुप अलग अलग बनाया, पता है क्यों? नहीं पता। नहीं जानती हो? मुझे लगा तुम एजुकेटेड हो, तुम्हें पता होगा। लॉयर हूँ, डॉक्टर नहीं। ये सामान्य ज्ञान है, विज्ञान नहीं। ठीक है, अब बताओ क्यों है ऐसा? वेरी सिंपल, अगर सबका ग्रुप एक ही बनाया होता बेचारे मच्छरों को वैरायटी नहीं मिलती। एक ही टेस्ट से बोर हो जाते, इसलिए भगवान ने सबको अलग अलग ब्लड ग्रुप दिया है। सीरियसली? अलग अलग ब्लड ग्रुप मच्छरों की वजह से? ऐसे क्या देख रहे हो जेके? देखने का मन कर रहा है इसलिए देख रहा हूँ। ज्यादा देर देखूंगा तो कोई केस कर दोगी क्या? एक कमॉन जेके, उस समय तुम अननोन थे, एक अनजान इंसान। और अब? वेल नोन, बहुत गरीबी इंसान। क्लियर हार्ट इज द रियल ब्यूटी ऑफ लाइफ कहते हैं ना, वो क्लियर हार्ट मैंने तुम्हारे पास देखा है। जब से तुमसे मिली हूँ मेरी दुनिया बिल्कुल रंगीन हो गई है। तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग सिक्योर रहूंगी, ऐसी मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। आई एम इन लव विथ यू जेके। और एक और बात, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी कलरफुल तो हो गई है लेकिन मेरे आने से तुम्हारी कलरफुल जिंदगी ब्लैक एंड वाइट ना हो जाए, ऐसा मुझे डर है। What? मुझे एक बीमारी है। बीमारी? नाइटोफोबिया। क्या? नाइटोफोबिया? हाँ जेके। ये बीमारी कैसे हुई? यही ना, मेरा एक बहुत सुंदर सा परिवार था। मेरे मम्मी पापा दोनों एडवोकेट थे। मेरे मम्मी पापा मुझे जितना प्यार करते थे उतना ही अपने प्रोफेशन से भी प्यार करते थे। गलत करने वालों को पनिशमेंट दिलाने तक वो शांत नहीं बैठते थे। रघुवीर और उसका भाई विठल भी उन्हीं में से एक थे। और सजा काटने के बाद मेरे मम्मी पापा से बदला लेने के लिए एक रात का इंतजार कर रहे थे।
मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लायर विश्वनाथ जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर हम खतरनाक मुजरिमों को जेल के अंदर करके बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसीलिए ये न्यायालय अब तुम्हें और तुम्हारा साथ देने वाली तुम्हारी श्रीमती पत्नी को बीच सड़क पर मार डालने की सजा सुनाती है। नहीं, नहीं, कुछ मत करो, मेरे पति को छोड़ दो इन्हें। अच्छा, सती सावित्री हो? तो पहले तुम्हें मार डालूं क्या? जय कालेश्वर। तुम दोनों पति पत्नी को एक साथ ही ऊपर भेज रहा हूँ, वहीं साथ में रहना। और तब से ये बीमारी मेरे साथ साथ चल रही है। पर खुशी की बात तो ये है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मुझे रात में अब कम डर लगने लगा है। तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो शायद मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जी पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे मेरे प्यार को तुम अपनाओगे? क्या वो? कोई बात नहीं, तुम आराम से सोचकर अपना फैसला बताना। अगर तुम हाँ कहोगे तो आई बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द प्लैनेट। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन जब कुआं खुद प्यासे के पास आ रही तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? दिस इज नॉट गुड, यू नो। नाइटोफोबिया मतलब जिसे रात में डर लगता है, यही ना? देख, रात के समय जब लड़कियां लड़कों को देखती हैं तो सबको डर लगता है, हालांकि इसको थोड़ा ज्यादा है, तुझे देखते देखते कम हो जाएगा। क्या? मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मतलब रात में उसका सिक्योरिटी गार्ड बनू जो वो चाहती है? बन जाओ, व्हाट्स रॉन्ग मैन। अच्छा ही तो है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ए, ये कभी ठीक ना होने वाली बीमारी है। ए, कैसा प्यार है तेरा, तुझसे शादी के बाद अगर उसे बीमारी हुई होती तो क्या करता? शादी के बाद उसको छोड़ देता क्या तू? ऐसी कोई बात नहीं है। यू सी मैन, लव इज नॉट ए वाइन, दिस इज डिवाइन, टेक इट इजी। हां, छोटी सी बात को बढ़ा रहा है जैसे तुझे एनाकोंडा ने पकड़ लिया हो। ऋषि के तू एक भालू के शरीर से 100 बाल भी झड़ जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी टकले इंसान के सर से एक भी बाल झड़ जाए ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। पता है मैं इस शहर में क्यों आया? ये लक्ष्मी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है, सुनते ही सारे के सारे लोग मैं अपनी बेटी देती हूँ, अपनी बहन देती हूँ, अपनी पोती देती हूँ, ये कहकर मेरे तो पीछे पड़ गए। लेकिन मैं ऐसे वैसे किसी लड़की को अपनी बहू बना लूं? शहर से बड़ी डिग्री लेकर आया है मेरा बेटा, और वो डिग्री पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की है पता है? सच में? कितनी? अरे कॉलेज वाले तो उसे एडमिशन नहीं दे रहे थे। क्या आपका बेटा इतना कमजोर है? मेरे सुंदर बेटे को कॉलेज में एडमिशन देने से कहीं कॉलेज की लड़कियां बिगड़ न जाए, ऐसे डर था उन्हें। पता है? अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है, स्पोर्ट्स में फर्स्ट, कराटे चैंपियन है, डांस और ड्रामा में तो हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रहा है मेरा बेटा। किसी भी फील्ड में आप उसको टच भी नहीं कर सकते। हाँ। बताइए ना, क्या मैं आपको पसंद हूँ? ये रिश्ता अगर आपको मंजूर है तो मुझे भी ओके है। अरे आजकल मुश्किल से 10वीं पास करने वाले कभी इस लड़की के साथ कभी उस लड़की के साथ आवारा गर्दी करते हुए देर रात तक उसके साथ घूमना फिरना ये सब चलता ही रहता है। लेकिन मेरा बेटा सूरज ढलते ही जो घर पर आता है ना, उसके बाद अगले दिन तक सूरज उग गया तब उठाने पे उठता है। आपके पति का ये बहुत बड़ा गुण आपके बेटे में भी मौजूद है। हाँ ना, और इसके साथ मेरे बेटे में एक महान गुण भी है, मेरा घर अगर आग से जलकर राख क्यों ना हो जाए, लेकिन वो झूठ कभी नहीं बोलता, ऐसा बेटा है मेरा। मुझे आपको कुछ बताना है। ऐसे लड़के का मिलना तो हमारा सौभाग्य है। बहन अभी से कुछ फैसला मत करो। पापा मुझे लड़का पसंद नहीं है। मम्मी वर्कआउट नहीं हुआ, घर चलते हैं। अरे क्या वर्कआउट नहीं हुआ, अपनी बेटी से ही पूछ लो। संदीता आज अगर तूने ये कहा कि मुझे लड़की से अकेले में बात करनी है तो मैं तेरी जुबान खींच कर रख दूंगी, समझे? लड़का लड़की पर्सनली बात करना चाहते हैं,
तो औरत उनके बीच में क्या कर रही है? अब वो उसके घर की बहू बनेगी तो होगी कोई जरूरी बात? वो क्या है ना कि मैं बताती हूँ ना, पर्सनल मतलब दो लोग बीच में तीसरे को नहीं घुसना चाहिए। अरे मम्मी तुम चुप रहोगी जरा? अब क्या? मुझे कुछ बताना है। क्यों बेटा? क्या हुआ बेटा? मैं मर जाऊंगी पर इससे शादी नहीं करूंगी पापा। निकल जा गधे। ए! बेटे को घर से निकाल दिया, लोग मेरी बुराई करेंगे तो करने दो, वो मैं सह लूंगी, लेकिन तू निकल जा, आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं, निकल जा, चल भाग। मैंने तुझसे क्या मांगा? तेल ला कर दे, घी ला कर दे, ये सब मांगा? अरे किसी लड़की को देखने जाता है तो अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखता? मुझमें ये वीकनेस है, मुझमें वो वीकनेस है, तुझे हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ने को कहा था? अरे जो लोग ठीक से मर्द भी नहीं दिखते वो लोग आराम से शादी करके अपनी शादी शुदा जिंदगी चला रहे हैं ना। अरे तुझमें ऐसी कौन सी महा वीकनेस है? अरे ये वीकनेस तो तेरे बाप में भी थी ना। हाँ? तुझे घर घर ले जाकर अपनी बेइज्जती करवाने का मुझे कोई शौक नहीं है। देख अगर तुझे माँ चाहिए ना, और अगर इस घर में कदम रखना है तो तुझे मेरी बहू को लाना होगा, बस और कुछ नहीं। ए! और एक बात सुन ले, अब आगे तेरी जिंदगी में अगर कोई लड़की आए तो उसे ये सच नहीं बताएगा। मेरी कसम। हाँ? खा मेरी कसम। मम्मी ये सब ठीक है लेकिन कसम क्यों? इसे वापस ले लो। क्या वापस ले लो? नहीं छोड़ूंगा। हाँ? हे मैंने तुझे कृष्ण लीला सुनाने के लिए कहा और तू मुझे रामायण सुना रहा है? गांव छोड़कर यहाँ क्यों आया? पूछा तो गांव में दो लड़कियाँ छोड़कर आने की कहानी सुना रहा है। देख तेरी बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाने के लिए मुंह में निप्पल डाले कार्टून देखने वाला कोई बच्चा नहीं हूँ मैं। बाप बनने की उम्र है। अरे मेरी बात सुनेगा पहले। क्या सुनूं तेरी बात? वो ना मुझे। तुझे? मुझे रात के समय दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता हूँ मैं। What? मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप की कसम। ए, चल हाथ हटा ना। सुबह जब तेरे पास आया तो बोला था तेरे बदन से बदबू आ रही है, अब रात होते ही चिपक क्यों रहा है? लेकिन मेरा बेटा सूरज ढलते ही जो घर पर आता है ना, उसके बाद अगले दिन तक सूरज उग गया तब उठाने पे उठता है। झुमका नहीं देख रहा हूँ ऋषि केतु, फील कर रहा हूँ। कितना बड़ा झटका दिया तूने। मैं खुद को बड़ा खिलाड़ी समझता था लेकिन तू तो मुझसे भी बड़ा है। हाँ किसी को शक भी नहीं होता तू ये सब कैसे मेंटेन करता है? वो तो मेरा टैलेंट है। मेरी आंखें जरूर कमजोर हैं, लेकिन मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। हम दिन में जहाँ भी जाते हैं अच्छी तरह से सर्वे करके रात को रजिस्टर कर लेते हैं, इसीलिए रात को प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी तुझे देख रहा हूँ, है ना? सही है, उसे रात को डर लगता है और तुझे रात में दिखाई नहीं देता। ओह गॉड, गॉड मस्ट बी क्रेजी यू नो। मुझे लगा तुम प्रॉब्लम का सलूशन दोगे, तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा। देखो मेरे राजकुमार यहाँ कोई समस्या ही नहीं है, वो भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस इनटू माइनस ऑलवेज प्लस, सब ठीक हो जाएगा। शाम के 6 बजते ही दोनों कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाना, समस्या खुद ही समाप्त हो जाएगी। मतलब मैं नंदिनी को अपनी सच्चाई ना बताऊं? मेरी माँ की कसम नहीं बता रहा क्योंकि फ्लैशबैक में तूने अपने माँ की कसम खाई थी। हाँ आगे कभी नंदिनी को ये बात पता चल गई तो दिन में ही बच्चे प्लान कर लेना। ए, चल बे। चुप कर चल बैठ यहाँ, उसके पता चलने के पहले तुम्हारी लव स्टोरी डी तक पहुँच जाएगी। दारू में सोडे की तरह सुपर कॉम्बिनेशन होगा। हाँ। उसके बाद पता चला तो दिल में थोड़ी ठेस लगेगी पर छोड़ कर नहीं जाएगी। ऐसा क्या? यस अब जाके तू सिर्फ हाँ बोल दे। जेके तुम्हारी आंखें ही तुम्हारी दुश्मन है। क्या मतलब? तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, ये तुम्हारे बताने से पहले तुम्हारी आंखों ने बता दिया। मुझे एक्सेप्ट करने वाली तुम्हारी आंखों को मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देना होगा। मुझे पता था कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये छोटा सा गिफ्ट। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने वाली तुम्हारी आंख हमेशा सेफ रहनी चाहिए।
इसे लगाकर अगर तुम रात के समय भी गाड़ी चलाओगे तो सामने से आने वाली गाड़ी की लाइट तुम्हारी आंखों पर नहीं पड़ेगी। नंदू, क्या ये गिफ्ट मेरे लिए? क्यों? अगर तुम ये लोगे तो बदले में मुझे भी गिफ्ट देना होगा, यही सोच रहे हो ना? डोंट वरी जेके, मैं बाकी लड़कियों की तरह कॉस्टली गिफ्ट नहीं लूंगी। वो नहीं। ओके ओके, मैं तुम्हारी बात समझ गई। सेल्फ रिस्पेक्ट, अब तो तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ देना ही होगा। मैसूर पैलेस। क्या? रात के समय चामुंडी हिल से मैसूर पैलेस की जो लाइटिंग होती है वो मुझे देखनी है। इट्स जस्ट ऑसम। वो नजारा रात में डर की वजह से मैंने नहीं देखा। तुम दिखाओगे ना? हाँ, इसमें क्या है, जरूर दिखाऊंगा। तो फिर एक टैक्सी करके चले। क्या टैक्सी? हाँ। अगर टैक्सी में ही जाना होता तो मैं टैक्सी ड्राइवर से प्यार कर लेती। मैं जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ बाइक पर बैठकर, तुम्हें कस कर पकड़ कर, मैसूर की गली गली में घूमकर, आखिर में चामुंडा हिल्स पर जाकर मैसूर पैलेस को जी भर के देखकर पूरे मैसूर को बताऊं कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है, अब मुझे रात से डर नहीं लगता, कहकर जोर जोर से चिल्लाना चाहती हूँ। हाँ। यार मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे दो दिन खाना भी खिलाए थे। साले कमीने, माइनस और प्लस बाबा जी का ठुल्लू, कहाँ है प्रॉब्लम? तूने हाँ करने को बोला, मैंने हाँ कर दिया, अब बता क्या करूँ? तू लड़की को इतना पसंद करता है यही सोच के बोल दिया था, उसे रात में डर लगता तूने बताया था, लेकिन रात में बाइक पे घूमेगी मुझे क्या मालूम। अरे अब वो मुझसे कितना एक्सपेक्टेशन कर रही है पता भी है तुझे? जिसे साइकिल चलानी नहीं आती उसे पायलट समझ के बैठी है वो, समझो। तू रो मत यार, तुझे देख के मुझे भी रोना जाएगा। मुझे असली में जो कुछ देखना है मैंने आज तक देखा नहीं, यहाँ तक कि सीढ़ी पे भी। कुछ ना कुछ करेंगे, पहले तलवार हटा। लड़कियों की तरह मत रो यार, जहाँ चाह होती है वही राह होती है, हिम्मत मत हारो भाई। वी विल डू समथिंग डूड। इस परेशानी के बीच ये लंगूर कहाँ से आ गया, अब क्या करूँ? इश्क करने से नहीं डरा, इश्क का इजहार करने से नहीं, इस लंगूर से डर रहा है तू। अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए या उधर से इधर हो जाए, तू उस लड़की को रात में बाइक पर लेकर ही जाए। ये क्या भाई, इशारों में गंदी गंदी गालियां दे रहा है तुमको? अरे कुछ नहीं भाई, ये बोल रहा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ दो लोगों को ही लड़की नहीं मिली थी, एक तुझे और एक मुझे, अब तुझे भी लड़की मिल गई है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और मैं कुछ भी उल्टा सीधा करके तेरे और तेरे प्यार के बीच दरार डाल दूंगा। ऐसी बात है क्या? हेलो ए काले सुपरमैन, तू क्या, तेरा बाप और तेरे बाप का बाप भी इसका एक बाल तक नहीं उगाड़ सकता है। भाई रात की बाइक राइडिंग के लिए तुम तैयार हो जाओ। यार एकदम परफेक्टली फॉलो कर रहा है, अगर तू ऐसे ही फॉलो करता रहा तो दिखाई देने वाले से भी तू रेस जीत सकता है। घर जाकर जी भर कर तारीफ कर लेना, अभी तू ठीक से रास्ता बता। तू इतना धीमे क्यों बोल रहा है, नंदनी ने तो ईयरफोन लगाया है, फिर वो कैसे सुनेगी? ए उसने ईयरफोन लगाया तो क्या मैं चिल्ला कर बोलूं? ओके आगे ब्रेकर है, तू जरा ध्यान से चला। ओके ओके, ब्रेकर के झटके में कुछ टच हुआ या नहीं? वो देखो कितना सुंदर है ना। हाँ बहुत। भाई हम लोग अभी चामुंडी हिल्स में एंटर कर रहे हैं, तू मुझे ध्यान से फॉलो करना। अच्छा, मैं पहाड़ पर कैसे चढ़ूंगा? इतने ट्रैफिक में मैनेज कर लिया, ये पहाड़ क्या आराम से कर लेगा, चला जा। ठीक है, तुझे जहाँ आना था मैं ले आया हूँ,
उसे जो भी दिखाना है वो दिखाकर सेफली वापस आ जा, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। ओके उतारो और रात में इस पैलेस की ब्यूटी देखो। तुमने बोला इसलिए मैं उतार रहा हूँ। ओके वाओ, इतनी ब्यूटीफुल जगह तो मैंने लाइफ में नहीं देखी है। अच्छा वहाँ देखो, वो जो लेफ्ट में एक लाइट है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइट ऑफ है। अगर वो भी जल रही होती ना तो क्या बताऊं, क्या मस्त लगती। बाप रे, कितनी शार्प आंखें हैं तुम्हारी। मेरी शार्पनेस क्या है वो मैं ही जानता हूँ। मेरे इतने सालों का सपना आज तुमने पूरा किया जेके। लव यू जेके। ओए, तू नंदिनी के साथ ड्यूएट नहीं गा रहा है क्या? ड्यूएट क्या, घंटा गाऊंगा मैं? हेलो, अरे यार, दिन पे दिन इसके नाइट प्लान्स बढ़ते ही जा रहे हैं। कल बोल रही थी मुझे नाइट में पैलेस की लाइट देखनी है, और आज रात को डिनर के लिए बोल रही है। ओए, लड़कियां रात में खाना खाना चाहती हैं, उनकी बेसिक ख्वाहिश होती है, एक अच्छे होटल में ले जाकर खाना खिला दे। हाँ, अब खिलाना तो पड़ेगा ही ना, इसलिए उसे रात में कैसे मैनेज करना होगा, अभी से उस होटल में आकर हर जगह का सर्वे करके एक दो कदम ऐसे ऐसे करके नाप रहा हूँ अभी। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बस। हाय, बैठो। क्या बताऊं, तुम इस ड्रेस में मस्त लग रही हो एकदम। हेलो, मैं यहाँ हूँ, वहाँ क्या देख रहे हो? जो चीज अच्छी है तो अच्छी है, जहाँ दिखे बोल दो, है ना? एकदम सही कहा इसने। चंद्रा सर, मेरा नाम इंद्रा है सर। हाँ, चंद्रा को बुलाओ। वो नहीं है सर। क्या, चंद्रा नहीं है? अब आपको मैं क्या बताऊं सर, कोई बेवकूफ आकर उसे 500 रुपया की टिप देकर चला गया, तभी से वो दारू पीकर छत पर उल्टा सोया हुआ है। क्या, पूरे प्लान का कचुंबर बना दिया। सॉरी सर, हमारे होटल में वो नहीं मिलता सर। मेन्यू तो क्या खाओगे? जेके, मैंने उल्टा पकड़ा है। ओ, उल्टा उल्टा ना? हाँ हाँ हाँ, देखो ये मेरे लिए उल्टा है तो तुम्हारे लिए सीधा हुआ ना। तुम्हारे लिए उल्टा पकड़ा है मैंने। तुम आज के गेस्ट हो ना, ऑर्डर प्लीज। थैंक यू। शबरी, शैल वी गो फॉर दिस? वन फ्राइड राइस एंड वन नूडल। थैंक यू। सर आपके लिए एक लेमन सोडा। क्या, लेमन सोडा? स्टमक अपसेट। ए नंदू, इधर आओ। तेरा बंदा हॉट तो है ही, साथ में धमाल भी है। हमें खाने पे बुलाया और खुद सोडा पी रहा है। एक्चुअली क्या है ना, इस होटल का मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, हमेशा मुझे चंद्रा ही सर्व करता है। आज ही धोखा दे गया। कोई बात नहीं जेके, कोई भी सर्व करे उससे क्या। ये तो तुम अभी समझ नहीं पाओगी, थोड़े दिन बाद खुद ही समझ जाओगी।
चंद्रा है ना, वो लेमन सोडा हमेशा मेरे लेफ्ट में ही रखता था। मैंने लेफ्ट में ही रखा है सर। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तुमने भी लेफ्ट में ही रखा है। कम ऑन जल्दी जल्दी खाओ। अभी तो शुरू भी नहीं किया है, इतनी जल्दबाजी किस लिए है? अब क्या है ना, खाना ठंडा हो जाएगा तो उसमें क्या मजा आएगा, ये आप ही बताइए। करेक्ट, थाली सामने रखकर ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, ऐसा मेरे दादाजी कहते थे। ओके ओके। शबरी, जेके, शबरी को हिचकियां आ रही हैं और तुम चुपचाप बैठे हुए हो, पानी दो ना। जेके, पानी के बदले तुम सॉस क्यों दे रहे हो? अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं? मैंने चिली सॉस ही दिया है, सॉस खा लेने से हिचकी तुरंत बंद हो जाती है। ये लोहा ही लोहा को काटता है, ये सुना है ना? वैसे ही मिर्च को मिर्च ही मारता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हिचकी रुक जाएगी, खाओ 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 ना, मैं बोल रहा हूँ खाओ ना, कमॉन कमॉन ऐसे। हाँ वंडरफुल जेके, सच में मेरी हिचकी रुक गई। रियली तुम तो जीनियस हो। वो तो मुझे ही पता है, जीनियस के जानवर हो। यहाँ ज्यादा देर रहा तो पक्का मैं पकड़ा जाऊंगा, जल्दी निकलना होगा। मैं थोड़ा रेस्ट रूम होकर आता हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए। क्या हुआ जेके, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? स्टमक प्रॉब्लम है और थोड़ा लूज मोशन भी है। कोई बात नहीं, इस बात को इतना सीरियसली कह लेना। शबरी, लूज मोशन को कोई इतना सीरियसली लेता है क्या? बिहेव योरसेल्फ। कोई बात नहीं, किसी और दिन मिलकर साथ में डिनर करेंगे, ठीक है? हाँ तो बिल मंगा लो। इंदिरा बिल। आप लोग निकलिए। तुम? वो मुझे थोड़ा काम है। वही रेस्ट रूम प्रॉब्लम? हाँ वही वही। हाँ कोई बात नहीं, हम चलते हैं। चलो नंदू। ठीक है, ध्यान से जाना। बाय बाय बाय। ओह सर बिल। हाँ हाँ कितना हुआ है तुम ही बता दो। 9:30 सर। हाँ हाँ कीप द चेंज। 500 रुपए दिए, इसमें भी चेंज चाहिए क्या? बिल 930 रुपए का है सर। ओह ये लो 1000 का नोट। इंदिरा वो चंद्रा कहाँ मिलेगा बताया था तुमने? क्यों सर? वो 5 रुपए जो एडवांस टिप देने वाला बेवकूफ, वो मैं ही हूँ। मुझे ही धोखा देता है चंद्रा। हाँ रुक बताता हूं तुझे। ₹50 किलोमीटर की दौड़ लगवाई है तो ये पैसे छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा तुझे। लगता है हाथ में गन आ गई, ये कैसे आ गई यहाँ पर? पैसे वैसे गई भाड़ में, भाग ले यहाँ से। अरे बाप रे, जिंदा रहेगा तो पैसे बहुत कमाएगा, अभी निकाल ले यहाँ से नहीं तो फंस जाएगा। हे माता ज्योति लक्ष्मी, मुझे सुध बुद्धि देना।
साइड में जा रहे हैं मिस्टर बेन। नमस्कार, मैसूर का सबसे बड़ा होटल प्राइम की छत पर रात को 10 बजे पुलिस जिसे 15 सालों से ढूंढ रही थी, वो रियल एस्टेट का गुरु, इस शहर का सबसे बड़ा डॉन जिसका नाम रघुवीर है, उसकी किसी शार्प शूटर ने माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी है। ये गोली प्राइम होटल के छत से रात को 10 बजे चलाई गई है, ऐसा पुलिस का मानना है। अब इसके आगे की छानबीन चल रही है, लेकिन इस बारे में अभी तक पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। प्राइम होटल के टेरेस पर रात के 10 बजे रघुवीर को गोली मारने तो वाले इस शार्प शूटर महारथी की नजर बहुत ही तेज है। जिसे मैंने छुआ था वो शार्प शूटर की गन थी, इस तरह दिखाई देता है। 6 फुट जितना कुछ नहीं, अच्छे कद वाला, थोड़ा बहाना फंसने का पूरा चांस है। अब तो मोहनदास को मारने वाले शार्प शूटर महारथी की नजर बहुत ही तेज है, ऐसा पुलिस का मानना है। तो कोई महारथी है तब तो मैं हो ही नहीं सकता। पुलिस ने जो फोटो दी है वो गुंडा इस तरह दिखाई देता है। 6 फुट जितना लंबा, अच्छे कद वाला ये लड़का एकदम मासूम सा दिखने वाला है, इस पर कोई भी शक नहीं कर सकता है। ओ, मासूम सा दिखता है तू, मेरी नजरों में पता है कैसे दिख रहा है, गधे की तरह। इसलिए बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया है। पहले पकड़ो इस गुंडे को, पहले जो भी देखे वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करे या फिर कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर दे। ये आदेश देते हुए डीजीपी ने मीडिया से बातचीत की। पुलिस के मुताबिक ऋषिकेतु, इधर आओ, देखो ब्रेकिंग न्यूज देखो। अरे तेरी तो कहाँ पीकर पड़ा था अब तक। ए, खुनी कहीं का, इतना बड़ा कांड करके आराम से बैठ के खुद की न्यूज देख के मजे ले रहा है तू? कन्फर्म तूने पी रखी है, मैं कैसे टीवी देखूं, मैं तो बस सुन रहा हूँ। मुंह बंद कर अपना, दिखाई नहीं देता करके मुझे बेवकूफ बनाता रहा। मुझे क्या पता था कि मैं अपने आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। क्या बे, कुछ भी बोले जा रहा है तू यार। इतनी देर से न्यूज देख के नहीं समझ में आ रहा तो मैं तुझे समझाऊं क्या? इतना शरीफ बनने की एक्टिंग मेरे सामने मत कर। तेरा जन्म और पालन पोषण तो लक्ष्मीपुर में हुआ है ना, और वो तो दुबई में राज करता था। दुबई और लक्ष्मीपुर का क्या कनेक्शन है? तूने मोहनदास को क्यों मार डाला? अरे मैं खून क्यों करूंगा किसी का, वो कोई शार्प शूटर है, देखो उसकी फोटो भी टीवी पर आ रही है, ध्यान से देखो। अरे रे रे, गधे कहीं के, शार्प शूटर बोल के टीवी में तेरी तस्वीर दिखा रहे हैं वो लोग। क्या कहा? आज जिसने मोहनदास को गोली मारी है वो खूनी बहुत ही शातिर इंसान है, निशाना लगाकर मारने में वो बहुत बड़ा महारथी है। आम लोगों के बीच में रहकर वो ये सारे काम कर रहा है। ये एक बार पहले भी हमारे हाथ लगा था, लेकिन ये किसी न किसी तरह से छूट गया। लेकिन इस बार मैं इसे अंदर किए बिना नहीं रहूंगा। भैया को मारने वाला इस धरती पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। मुझे अभी इंडिया जाना है, अरेंज करो। जूनियर, जोश में मत आओ, इस स्टेट की पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। पुलिस के डर से क्या मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा हूँ? किसी पिल्ले ने मेरे भाई को सरेआम मार डाला। मेरे भाई ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया था, आज मैंने भैया को। सर, आपके दुख का मुझे एहसास है, हमारे सीनियर को जिसने मारा उसे मौत की नींद सुला देना यही चाहते हैं ना आप? मैसूर में हमारे लड़के उसे आधे घंटे में ही ठोक देंगे। ना, उस शॉप शूटर को मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। अपने आदमियों को बोलो कि उसकी डिटेल कलेक्ट करके मुझे दें। मतलब रघुवीर को मारने वाले तुम हो? अरे हाँ सर। ए, तुझे क्या लगता है मैं कल ही लालबाग से आया हूँ? पेपर में, टीवी में, हर न्यूज में उस चिकनी की फोटो छपी हुई, और तू कहता है मैंने मारा तो मैं विश्वास कर लूंगा क्या? वो सब झूठ है सर,
जब उसे दिखाई नहीं देता तो वो खून कहां से करेगा? ये देखो भाई, तुम मुझे मेरा पेमेंट नहीं दोगे तो भी चलेगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई, मेरे काम को अंडर एस्टिमेट मत करना। सर जी, मोहनदास के ठीक माथे पर निशाना लगा के मैंने उड़ाया उसे, मुझे मेरे गन की कसम। गन की कसम खाकर कहता है तो मुझे मानना पड़ेगा, पर मुझे विश्वास नहीं है। सर जी आपको कैसे समझाऊं समझ में नहीं आ रहा है। जान हथेली पर रखकर रिस्क वाला काम किया है मैंने, समझिए सर। अच्छा सुन, पेमेंट की बात है ना, हाँ डबल पेमेंट ले ले। डबल पेमेंट? अरे हाँ डबल पेमेंट। वैसे भी तू निशाना लगाने में तो और लोगों से एक्सपर्ट है ही, इतने दिनों से विठल दास दुबई में छुपा बैठा था, जैसे ही वो ये न्यूज सुनेगा तुरंत बाहर निकल आएगा, उसी समय उसको भी टपका डालना। क्या विठल दास को भी मारना है? क्यों, विठल के नाम से डर गए? मैंने किसी भी काम के लिए किसी को ना बोलना नहीं सीखा है सर, मैं हार नहीं मानूंगा, विठल दास को भी खत्म करूंगा, और उससे भी पहले जिसने मेरा नाम खराब किया है ना, उस फेक शार्प शूटर को सर पे गोली मार के खत्म करूंगा। मार डालो भाई, मार डालो। पेमेंट रेडी रखना सर जी, डबल पेमेंट। सर पता नहीं सुबह से एक पागल आदमी बोल रहा है मिलना है, उसे अंदर भेज दूं क्या? भेजो उसे अंदर। ठीक है सर। केस का मुंह देखा था सुबह मैंने। क्या चाहिए बोला? ये क्या नया सिग्नल दिखा रहा है? ऐसा सिग्नल देखा है, ऐसा भी देखा है, और ये भी देखा है, पर ये क्या होता है? अरे किसको उठा ले? अरे सुमित ये क्या बोल रहा है बता ना। सर इनका मतलब है नाग, सिर्फ नाग। क्या दिमाग का दही कर रहे हैं? बोल नहीं सकता है क्या? अच्छा चल कोई बात नहीं, ये बता यहाँ क्यों आया है? ये सब क्या है? ये तो शार्प शूटर की फोटो दिखा रहा है। यार किससे पाला पड़ गया? ये सब क्या 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 दिखा रहा तू ये? ए पूछ रहा क्या बोल रहा है ये? सर वो शार्प शूटर इसका करीबी दोस्त है ऐसा बोल रहा है। क्या ये सच है? क्या बोल रहा है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे पूछ रहा क्या बोल रहा है? सर वो जो शार्क शूटर है ना, उसे रात को दिखाई नहीं देता ऐसा बोल रहा है। अरे तुझे तो मैं एक लगाऊंगा ना तो तेरी बची खुची जबान भी हाथ में आ जाएगी। ओलंपिक शूटर से भी ज्यादा तेज नजर है, उसने डॉन को मारा था, और तू बताता है कि उसे रात को नजर नहीं आता। ऐसी धुलाई करूंगा ना तेरी में। अब क्या है? इतना भी नहीं समझ पाए सर, वो जहाँ रहता है वहाँ ले जाने की बात कर रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? तो दिखाएगा तू? तैयार हो जा रे। तू भी चल। चल फॉलो मी। सर ये तो यहीं पर खड़ा है सर। अरे तू वहाँ क्यों खड़ा है अब? अब क्या बोल रहा है ये? सर जगह दिखाने वाला मैं हूँ, इस टकले को बोलो कि मेरे पीछे पीछे चले, ऐसा बोल रहा है सर। अबे गधे की औलाद। अच्छा चल ठीक है आ जा। ऑलरेडी आप प्रॉब्लम में है, कानून को हाथ में क्यों ले रहे हैं? अच्छा ठीक है बिठाई से। तुम लोग पीछे बैठो रे। कम ऑन, अरे पीछे आ जाओ जल्दी। अरे अरे कहाँ रे आया तू ये? क्या हुआ साहब? अरे तुम यहाँ? सरप्राइज विजिट है क्या? वोडाफोन की तरह मैं जहाँ जाती हूँ मुझे फॉलो करते हैं आप। अरे ये क्या साहब जी, अब तक तो अकेले आते थे, आज देखो पूरी टीम को साथ लेकर आए हो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे टेस्ट मैच खेलना है। क्या वो क्या है? आज टाइम नहीं है। 2020 चलेगा क्या? ये चिंपांजी कौन है? थर्ड एम्पायर है क्या? ओह म्यूट फिल्म देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सुपर बैटिंग कर सकते हैं। सर टॉस डालेंगे क्या? अरे टॉस कोई भी जीते, बैटिंग तो आप ही करेंगे ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? चलो ना। फर्स्ट बैट्समैन मैं हूँ।
ठीक है सर जी, आपकी जगह पर मैं जाता हूँ। शार्प शूटर का घर दिखाऊंगा बोलकर इसके घर में लेकर आया तू, मार डालूंगा तुझे मैं। अरे साहब जी, आप उस पर क्यों बरस रहे हो? सब कुछ तो ठीक है ना? लगता है साहब जी आज आप फॉर्म में नहीं हो। सुन रहा है तू? तेरी तो मैं खुद मजाक करना है, इसलिए मुझे यहाँ पकड़ कर ले आया। 20-20 मैच बोल रही है वो, क्या खेल? यहाँ के लोगों को बाहर करके यहाँ मुझे लेके आया तू? अरे पूरी दुनिया आ जाए तो भी ना सामना कर लूंगा, पर अभी नंदिनी आने वाली है, उसका सामना कैसे करूं? वैसे भी उसे गलत करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देख तू बिल्कुल चिंता मत कर, नंदिनी जब आएगी तो उसे खुलकर सारी बातें बता देंगे। मेरा मतलब सब ठीक से बता देंगे। डोंट फील बैड, ओके? ये लगता है वो आ गई। क्या गुलाबी यहाँ है क्या? ए यहाँ कोई गुलाबी शराबी नहीं, चल यहाँ से। अरे रुको तो भाई, गुलाबी नहीं हुई तो क्या हुआ, जलेबी तो होगी ना। जलेबी कौन? मुझे तो जलेबी भी चलेगी, फौरन चेंज, मजा आ जाएगा। ए भाई तूने सुना ना ये क्या कह रहा है, जाके जल्दी से कपड़े पहन ले, नहीं तो ये तेरा बलात्कार करने के लिए बोल रहा है। क्या कहा? छी, हेलो, पहले इसे बाहर करके दरवाजा ठीक से बंद कर। जा भाई यहाँ से। अंडरवर्ल्ड वालों को फेस कर सकते पर अंडरवियर लूज करने वालों को फेस करना बहुत मुश्किल है। तू कहाँ लेके आया यार, घड़ी घड़ी लोग दरवाजा पीटते रहते हैं। ए एक तरफ तुझे अंडरवर्ल्ड के लोग ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस ढूंढ रही है, सबसे अच्छी और सेफ जगह यही है, थोड़ा एडजस्ट करो। सेफ है कि नहीं क्या पता। अब नंदिनी आ गई लगता है, मैं देख के आता हूँ। अब कौन होगा? सॉरी दादाजी, मंदिर बगल में है, आप गलत जगह आ गए हैं। अरे मल्लिका को बुला, अर्जेंट का मामला है, मेरा रोमांस ओवरफ्लो हो रहा है, बुला मल्लिका को। ए, इस उम्र में खड़ा तो हो नहीं पा रहे हैं और बोल रहे कि अंग अंग फड़क रहा है, अगर कुछ देर और यहाँ खड़े रहे ना तो मर्डर कर दूंगा। मेरे बारे में जो बोलना है बोल ले, मेरी उम्र के बारे में बोला तो ठीक नहीं होगा, अभी भी मैं तुझसे ज्यादा ताकत रखता हूँ। मल्लिका को बुला ना रे। ए, शराफत के साथ यहाँ से निकल जाओ वरना अंदर ले जाके तुम्हारी नसबंदी कर दूंगा। भाग, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बुड्ढों पर भी जवानी चढ़ी है, देख रहे हो ना? तो 4 दिन में मरने वाला है और इसकी जवानी उछाल मार रही है, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका कुछ उपाय करता हूँ। रुक जाओ, रुक रुक, मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। सिस्टर एक्चुअली वो क्या हुआ कि तुम जाओ आउट, चला जाता हूँ। नंदिनी वो बात मत करो, गलत गलत ही है, गलती कोई भी करे उसे सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ। बी केयरफुल। भगवान, मैंने सोचा था डॉट गेम खेल के तुझसे पैसे कमाऊंगा, लेकिन तू तो लड़की के हाथों बाहर आ गया। हे भगवान, इस पे केस करने के लिए मेरे पास अटर्नी भी नहीं है, अब मैं कौन न्याय दिलाएगा? तू तो एकदम ठीक है, उसने तुझे गोली कहाँ मारी बता ना। देखो इधर 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 इधर, अरे तू जो सीन सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ मतलब? तो कुछ और चल रहा था। ऐसा क्या? नंदिनी उस दिन क्या हुआ कि? प्लीज बात मत करो, गलत गलत ही है। हाँ। गलती कोई भी करे उसे सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ। मुझे सब पता है। हाँ? मैंने तुम जैसा साथी पाने के लिए 100 नहीं 1000 जन्मों में पुण्य किया होगा। I love you। मैंने बस 2 मिनट के फ्लैशबैक में मेरे मम्मी पापा को डॉन ने मार दिया था तुम्हें बताया, लेकिन तुमने तो मेरी खातिर
उन दोनों में से एक को ढूंढकर मार डाला। I'm so proud of you। तुम इतने बहादुर हो गए, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम जब भी कहते थे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता था। बट तुम जो भी काम करोगे उसका जरूर कोई कारण होगा पता था। पर जेके, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मुझे ट्रीट देकर घर भेजकर रघुवीर को मार डाला। उसे मेरी आंखों के सामने मारते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। नंदू, मेरा और मोहनदास के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारा हाथ नहीं है, मैं ये कोर्ट में प्रूफ कर दूंगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आखिर मैं लॉयर किस लिए हूँ? हमारा नेक्स्ट टारगेट है उस रघुवीर का भाई विट्ठल। उसे भी खत्म करना होगा। लोगों को परेशान करने वालों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं। उस विट्ठल को मारोगे ना? मारूंगा, जरूर मारूंगा। तुम्हारे लिए तो जरूर मारूंगा। कहीं भी छुपा हो उसे मार डालूंगा मैं। अरे तेरी तो, तुझे मारेगा, वो रोड का भिखारी है क्या? डॉन है, उसकी तरफ नजर भी उठाएगा तो काट के रख देगा। और अच्छा? तुझे रात के समय दिखाई भी नहीं देता, याद है ना? तो क्या हुआ? नंदिनी के खुशी के लिए मैं विट्ठल दास को जरूर मारूंगा। बाप रे, तुझे देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सारी सच्चाई जाके नंदिनी को बता देता हूं। तू अभी नंदिनी को कुछ नहीं बताएगा, मेरी कसम। तूने कसम देकर दोस्ती के बंधन में बांध दिया। आज नहीं बताऊंगा तो कल बताऊंगा, तुझे मेरी कसम। ए नंदू, ये सब क्या है? इस तरह से खाना पीना छोड़ देने से किसी समस्या का हल नहीं मिलता क्या नंदिनी? क्या करूं शबरी, जेके को बचाने के लिए कोई पॉइंट नहीं मिल रहा मुझे। सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। देखो, दरवाजे बंद हुए हैं तो कोई ना कोई खिड़की जरूर खुलेगी। सारी खिड़कियां भी बंद हैं। अरे, विंडोज क्लोज हुए हैं तो कोई ना कोई वेंटिलेटर खुलेगा। लो कॉफी पी लो। थैंक यू। तेरा देखो तो कौन है। कौन हो आप? क्या चाहिए आपको? ओ, तो आप सांप में जाने गए? लेकिन आपका सांप तो नहीं दिखाई दे रहा। ये क्या दिखा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? नंदू जरा देखो तो, मुझे ये कौन है? सुनो, निकलो यहाँ से। क्या बोल रहा है ये? ए ए ए, चल चल निकल यहाँ से। तुम जिस लड़के से प्यार करती हो उसे रात में दिखाई नहीं देता क्या? रात के समय जेके को दिखाई नहीं देता? ए नंदू, मैंने बोला था ना भगवान है। कहा था मैंने खिड़कियाँ दरवाजे बंद हो जाएंगे तो वेंटिलेटर जरूर खुलेगा। ये वेंटिलेटर बनकर आया है। वेंटिलेटर? हाँ, देखो, जब अच्छा समय आता है तब बुरे से बुरा आदमी भी हमें अच्छा रास्ता दिखाने आता है। और अब देखो, एक बिल्कुल निकम्मा दिखने वाला इंसान हमें रास्ता दिखाने आया है। बेचारा, इसे तो बोलना भी नहीं आता। लेकिन जेके को रात में दिखाई नहीं देता, ये बात अगर हम कोर्ट में बताएंगे तो हम जरूर जीत जाएंगे। ये यही बताने के लिए आया है। फोन भी रात के समय हुआ था। सुपर आइडिया। शबरी, तुम तब तक इनका मुंह मीठा करो। आप बैठे। आज कुछ भी हो जाए मैं बता के रहूंगा। हे नंदिनी। हे ऋषि। वो ये, तुम एक बात बताओ, रात के समय जेके को दिखाई नहीं देता है, उसने रघुवीर का खून नहीं किया है? नंदनी, मैं यही बात तो इसे बताने आया, लेकिन ये तो जान के खुद ना चल गया। इसे कैसे पता चल गया? आजा ऋषि, चलो तुम भी आ गए। एक मिनट रुको। हाँ, ओहो, आओ ना जल्दी आओ। तुमने हमारी हेल्प की है, अब ये मिठाई का डिब्बा रखो और जाओ। जाओ ना, ले लो। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? देखो ऋषि, इसे जाने को बोल रही हूँ पर ये नहीं जा रहा। तुम इसे समझाओ ना, मुझे टेंशन हो रही है। अरे ठीक से बता ना।
तुम जिस लड़के से प्यार करती हो उसे रात के समय दिखाई नहीं देता, ये बताना था आपको। तूने बहुत अच्छा काम किया है, अब चल निकल ले यहाँ से। अगर नहीं गया तो पता ना मैं क्या करूँगा। अरे जो करना कर ले, जा यहाँ से। पागल, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ऋषि, अरे ऋषि, वो सच नहीं है, वो झूठ है, डमी है। जेके को बचाने के लिए सपेरे ने हमको ये आइडिया दिया है। क्या सपेरे का आइडिया है क्या? अरे उसने सच कहा है, यही बात बताने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। जेके को रात के समय दिखाई नहीं देता। क्या बोल रहे हो? अरे बाप रे, जेके को सच में रात में दिखाई नहीं देता। अच्छा हुआ नंदिनी को ये बात पता चल गई ना, अब सुकून मिल गया। अरे ओ ऋषि, नंदिनी को लगा शायद ये कोई आइडिया है। हाँ बिल्कुल, ये कुछ और ही है, ये एक अलग तरह का आइडिया है। जेके को बाहर निकालने के लिए ये आइडिया वर्क करेगा, है ना सर? मतलब जेके को रात में दिखाई नहीं देता ये प्रूव करना चाहती हो तुम? यस। आइडिया तो अच्छा है पर ये इतना आसान नहीं है। कोर्ट तुमसे प्रूफ मांगेगा। आई नो सर। और फिर जेके को नाइट ब्लाइंडनेस है, इसका मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से लाओगी तुम? सर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, शबरी रामचंद्र डॉक्टर के बहुत क्लोज है और रामचंद्र मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाले नटराज के बहुत क्लोज है। चाहे जो हो जाए नंदिनी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। कभी न कभी तो पता चलेगा ना उसे, तो क्यों ना आज ही बता देते हैं। आज नहीं तो कल मरने वाले हैं, तो आज ही फांसी लगाकर मर जाएंगे क्या? हर चीज का एक सही समय होता है, तब तक तुम छुपी रहना। क्या मेरे बारे में वो सब जानकर उछलने लग गई? ये कैसे हो सकता है? पहले उसे लगता था उसके अंदर कमी है तो उदास रहती थी, अब उसे पता चल गया कि तुम्हारे अंदर भी कमी है। इक्वल होने की खुशी में अब वो नाचने लगी है। सुपर यार, मेरी तो टेंशन ही खत्म हो गई। थैंक्स ऋषिकेतु, तुमने तो मेरा सर का बोझ ही उतार दिया। अब आगे न जाने क्या होने वाला है। ए, कहां जा रहे हो तुम? आकर बताता हूं। तुझे तो दिखाई भी नहीं देता लेकिन तेरे साथ लुका छुपी खेल रहा हूं। कहां छुपा है रे तू? हाँ, 100 साल जिएगा तू। मेरी उम्र का तू छोड़, तू अपनी उम्र पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दे। कोई भी आए तो तुरंत गन उठाने से कुछ नहीं होता है, उसमें बुलेट है या नहीं वो भी तो देख ले। तू देख सकता है क्या? हाँ मुझे दिखता है बोलूंगा तो भी कंफ्यूज होगा, नहीं दिखता बोलूंगा तो भी होगा, मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस? कंफ्यूज हो गया ना? कंफ्यूजन से बाहर निकलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं। तू अपनी बात रहने दे, उससे पहले मेरी बात सुन ले। उस मोहनदास को मारने की जिसने सुपारी दी थी वो कहता है मोहनदास को मैंने नहीं मारा इसलिए सुपारी के पैसे देने में परेशान कर रहा है, और उसकी वजह तू है। ये क्या बॉस, ये कौन सी बड़ी बात है? छोड़ो मैं क्लियर करता हूं, रघुवीर का भाई विट्ठल दास कहां मिलेगा ये तुम मुझे अभी बताओगे। बकरी कसाई का एड्रेस पूछ रही है क्या? उसकी नजर में मोहनदास को मारने वाला तू है, वो किसी भी वक्त तुझे उठा सकता है, थोड़ा संभल के रहना। वो मुझे उठाए उससे पहले मैं ही उसे उठा लूंगा। अबे गधे, उसको मारने के लिए मैंने ऑलरेडी सुपारी ले ली है, प्लान बनाकर बस उसको मारना बाकी है। गुरु, हम दोनों के बीच में कैसी लड़ाई? तुमने रघुवीर को मारा उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, अब वो विट्ठल दास कहां है मुझे बताओ, मैं उसे खत्म करके वो क्रेडिट तुम्हें दूंगा, तब होगा हिसाब बराबर। वो अभी कहां मिलेगा? ये
यार तूने मुझे यहाँ बुलाया तो मैं जोश में आ तो गया, लेकिन यहाँ पर फाइट होगी सोचकर मेरे हाथ पर कांप रहे हैं यार। अरे फाइट से पहले गाना होता है, है? और तू सिर्फ गाने में रहेगा, चल। शार्प शूटर। हाँ सब तो ऐसा ही सोच रहे हैं। ए, तू मजाक कर रहा है? हाँ भाई से मजाक कर रहा है? भाई आप इशारा कीजिए, मैं अभी इसकी खोपड़ी में गोली उतार देता हूँ। मेरे भाई को मारने वाला इतनी आसान मौत नहीं मरना चाहिए, मजा नहीं आएगा यार। लकी बॉय, तुम्हारी मौत की तारीख तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं उसे पूरी कर लो, टाइम इज वेरी शॉर्ट। See you soon. Peace.
मुझे नकली गन दिखाकर मार डालेगा करके हुल दे रहा था, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? वो क्या है कि एक्टिंग अगर अच्छी करूंगा तो नेचुरल लगेगा ना बॉस। तेरी नेचुरल एक्टिंग तो मुझे भी पसंद आई, तुझे मैं छोड़ दूंगा। एक बात बता, पर तेरे इस परफॉर्मेंस के बारे में तेरे बॉस को पता चला तो? के सामने हो तो उसका शिकार किया जा सकता है, लेकिन ये तो छुप कर बैठा है, तो उसे कैसे मारे, कहां ढूंढे उसे? सही कहा सर, खोपड़ी में कुछ नहीं है, सोचकर आपने सर गंजा करा लिया, लेकिन अब उसे ढूंढना मुश्किल है, छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है मुन्ने, सुमित न जाने मैंने कौन से जन्म में कैसा कैसा पाप किया था जो मैं तेरे साथ फंस गया हूँ। जब देखो जब मेरी खिल्ली उड़ाता रहता, ऐसी हालत है कि अगर तुझे पास में रखो तो मेरा टॉर्चर होता है और दूर रखो तो मेरी वीकनेस का ढिंढोरा पीटता रहता है। मैं ना निगल सकता हूँ ना उगल सकता हूँ, तू है तुझ में। मैं तेरे आगे ये दोनों हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए चुप हो जा मेरे भाई। बाहर में छोड़िए सर। सर 150 रुपए दो ना। 150 रुपए? वो देखिए आपका आदमी गाय की तरह चल रहा है। गाय की औलाद, छोड़ इसे। पहली बात तो तू मेरी नजर के सामने आए, यही गलत है। तू यहाँ गाय की तरह चर रहा है, उसके लिए 150 रुपए मैं दूंगा क्या? क्या? अरे क्या बोल रहा है ये? शार्प शूटर के बारे में बता रहा है सर। अगर फिर से उस शार्प शूटर के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी तो तेरी चाल ले लूंगा। अरे क्या मतलब है ये कि वो मेरे घर में मेरी बेटी को गले लगा कर सो रहा है? नहीं तो क्या इनकी बीवी के साथ सोया हुआ है? अरे क्या बोल रहा है ये? सर बेटा होगा तो माँ जरूर होगी, और माँ को ढूंढते हुए बेटा जरूर आएगा, इसीलिए उसके गांव चलने के लिए बोल रहा है सर। इसकी तो मैं ये बोल रहा है, अगर अभी उसकी माँ के पास जाएंगे तो हम उसको आराम से पकड़ पाएंगे। अब तो शार्प शूटर की माँ का घर दिखाएगा, और अगर अब की बार तूने कोई भी गड़बड़ की तो लाठी में मिर्ची पाउडर भर के मरने तक मारूंगा तुझे मैं। चल चल। क्या क्या ये? अरे लेकिन ये तो मेरा है। अब तो ठीक है ना, चल। इसकी तो मैं। हमारे खानदान से आज तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया, और ना ही कभी कोई पुलिस हमारे घर पर आई। जो आप बोल रहे हैं क्या वो सच है? माँ जी आपको क्या लगता है कि हमारे पास कोई और काम नहीं है? गलत मत समझिएगा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं क्या वो वाकई सच है? देखिए माँ, स्वर्गवासी हुई अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। तो चलिए। सबको मेरा नमस्ते।
आइए सर, बोलिए। अरे जाने दीजिए ना माजी, ये सारी बातें इनके सामने अगर बोलिए। सुनिए, बोलिए। नहीं नहीं, रहने दीजिए ना। बोलिए सर, बोलिए ना। ऐसा है कि इनके बेटे ने एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन को मार डाला है। किस समय उसने मारा? रात के 10:30 होंगे। माइक में बोलिए। रात के 10:30 होंगे। अमावस की रात को? हाँ भाजी, अमावस की रात को ही। माइक में बोलिए। हाँ, अमावस की रात को ही मारा है। कितनी दूरी पर था? यही करीब 500। लोगों को बताइए। वो कुछ 500 मीटर दूर होगा। मतलब वो एक तरह का स्पेशल खूनी है। हाँ, नो डाउट, वो वाकई एक तरह का स्पेशल खूनी है। इनको बताइए। ये खून कोई साधारण आदमी कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, हो गया, साइड हो जाइए। 15 साल से पुलिस के हाथ जो अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं लग रहा था, 500 मीटर दूरी से अमावस्या की रात को मेरी बेटी ने शूट किया है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी आप लोगों को पता चलनी चाहिए ना। देखिए, इसे कहते हैं गांव छोड़ने से ही तरक्की। मेरे बेटे को शहर भेजने का मेरा मकसद सार्थक हो गया। सार्थक हो गया? हाँ ना, आपने यहाँ आकर सारी बातें बता दी, तो मेरे बेटे की कैपेसिटी क्या होगी ये सब लोगों को पता चल गई ना। इसी दिन का इंतजार कर रही थी। मेरे बेटे, मुझे तुझ पर गर्व है। अरे ये सब क्या है? बेटे ने खून किया तो ये बोल रही है कि मुझे उस पर गर्व हो रहा है। कैसी भाई, ये सब चल क्या रहा है? उस दिन तू ऐसा 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 करके मुझे वैश्या के घर पर ले गया था, और आज ऐसा 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 करके तू यहाँ माजी के पास लेकर आया है। सुमित, तेरी तो मैं। अरे इस बेचारी को क्यों मार रहे हैं? गुस्सा मत होइए, आइए मेरे साथ। कहाँ पर जाना है? अरे सर, आप उनके साथ बहस क्यों कर रहे हैं? जहाँ बोल रही है चलने के लिए चलिए ना। अच्छा बोला तो टांग तोड़ दूंगा मैं तेरी। ए, देख क्या रहा है आप, चल। इंस्पेक्टर साहब, ये आने वाली पीढ़ी है, अगर इन सबको मेरे बेटे की कहानी बताएंगे तो इतिहास बन जाएगा। क्या, इन्हें बताऊं मैं? तो क्या, एक बार बोल दीजिए प्लीज, बोलिए ना। वो मैं ये कह रहा था कि बच्चों, इनका जो बेटा है ना वो। सर ये समझ के आइए। चले सर, ये हमारी गांव की सबसे मुख्य जगह है। तो आप ये चाहती हैं कि वो बात मैं यहाँ भी बोलूं, है ना? देखो माताओं, इस माजी के बेटे ने हो गया ना, अब चले। अब कहाँ जाएंगे सर? तो जाते समय कभी पूछना नहीं चाहिए, ये पता नहीं है क्या तुझे? चल। अम्मा साहब, ये भी आपकी माँ की तरह स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ी हैं। आप इन्हें एक बार बताएंगे तो बस हो जाएगा, ये बात स्वर्ग तक पहुँच जाएगी। प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन्हें बोलिए। बताइए ना, बताइए ना सर। अम्मा, इनका बेटा 1 हफ्ते पहले एक फेमस अंडरवर्ल्ड डॉन को रात को 10:30 के अमावस्या की रात को 500 मीटर की दूरी से शूट करके मार डाला। ये गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड बन गया है। ये कोई साधारण मर्डर नहीं है, ये स्पेशल मर्डर है, स्पेशल मर्डर। वोट मांगने आए हो क्या? कौन से पक्ष से आए हो? सुना क्या बोल रही है? क्या माजी? नहीं, नहीं, बुरा मत मानिएगा, इनको थोड़ा कम सुनाई देता है, ऊंचा सुनती है। थोड़ा ऊंचा बोलेंगी ना तो सब सुनाई देगा। बस थोड़ा जोर से, प्लीज, साउंड साउंड ज्यादा ज्यादा। हाँ बोलिए ना, बोलिए। अम्मा, ये कोई साधारण मर्डर नहीं है, ये स्पेशल मर्डर है, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? पेंशन देने आए हो क्या? कहाँ फंसे? इंस्पेक्टर साहब, मेरे लिए सिर्फ एक बार जोर से जोर से बोलिए। बस एक बार लास्ट, हाँ जोर से। ये स्पेशल मर्डर है। क्या इतने धीरे धीरे बात कर रहे हो, थोड़ा जोर से नहीं बोल सकते?
मेरा बकरा बना रहे हो तुम लोग। इस सब की वजह वो साला नागा ही है, उसी ने इस क्या है ये सब? डॉन कहलाते हो और अमावस्या की रात को तूने मर्डर किया, और तो और तू एक शार्प शूटर भी बन गया। देखो माँ, अब परेशान मत हो, कल कोर्ट में सब ठीक हो जाएगा। तुझे देखने को बहुत मन करता है बेटा, घर कब आएगा? तुम्हारे लिए एक बहू ढूंढ लिया है, उसी में आजकल बिजी हूँ। सच में बेटा, कब मिलवाएगा उससे? जल्द से जल्द। जल्दी आ बेटा, मुझे उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। अभी तुम खाना खाकर आराम से सो जाओ। गुड नाइट। टाटा। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये अपराधी जेके, यानी कि जय किशन नाम के इस आदमी ने ही रघुवीर का खून किया है, ये साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। मैंने जो सीडी आपको दी है वो फुटेज आप देखेंगे तो आपको सच्चाई का पता खुद ब खुद चल जाएगा। रात का डिनर करने के लिए दिन में होटल में आने की क्या जरूरत है? खाना तो रेस्टोरेंट में खाते हैं, लेकिन ये जेके रिसेप्शन, कॉरिडोर, पूल एरिया, स्पोर्ट्स एरिया, टेरेस, यहाँ तक कि होटल के एक एक इंच का सर्वे कर रहा था, क्योंकि इसे उसी रात को उस वारदात को अंजाम देना था। जिस दिन खून हुआ था उस दिन से ये छुपा बैठा था और आज सीधे कोर्ट में पेश हुआ। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मुख्य कारण है कि जब खून हुआ था उस समय कोई दूसरा आदमी लिफ्ट से टेरेस तक गया ही नहीं था। गन पर मिले हुए फिंगरप्रिंट्स और खून से संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट आपके सामने ही है। इतने सारे सबूत होने के बाद मुलजिम को अपराधी साबित करने के लिए और सबूत की जरूरत नहीं है, इसीलिए इस कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही मैं गुजारिश करूंगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मेरे क्लाइंट ने होटल का सर्वे किया था, ये बात सच है। जब खून हुआ था उस समय लिफ्ट से छत पर गया, ये बात भी सच है। उस गन पर इनके फिंगरप्रिंट्स हैं, ये भी सच है। पर इन्होंने ही खून किया है, ये बात सच नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सर्वे कर रहा था ये सच है, लिफ्ट से ऊपर गया ये भी सच है, गन पर मिले फिंगरप्रिंट्स भी सच हैं, पर खून इसने किया है ये सच नहीं है। वेरी फनी। हेलो माननीय पीपी जी, आपके दुख को मैं समझ सकती हूँ। योर ऑनर, मैं अब तक मुद्दे पर नहीं आई हूँ, इन्हें थोड़ी देर चुपचाप बैठने के लिए कहिए प्लीज। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू ऑनर। जिस समय खून हुआ, मतलब रात के करीब 10:30 बजे, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, ये सब मेरे क्लाइंट को खूनी खूनी कहे जा रहे हैं, लेकिन मेरा क्लाइंट कभी किसी इंसान का खून नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें रात के समय दिखाई नहीं देता, इन्हें नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है और ये इनकी खानदानी बीमारी है। ये रही इनकी मेडिकल रिपोर्ट, इसे सर्टिफाई किया गया है गवर्नमेंट आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नटराज जी से, जो यहां इस वक्त मौजूद हैं। मेरा क्लाइंट निर्दोष है, इसे प्रूव करने के लिए इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। 500 मीटर की दूरी पर रात के 10:30 बजे एक अंधा इंसान शूट कैसे कर सकता है? No way. That's all, Your Honor. सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत जेके अलियास जयकिशन को बेगुनाह मानकर बाइज्जत बरी करती है। साथ में असली अपराधी कौन है जल्द से जल्द उसका पता लगाकर उसे अरेस्ट करने का आदेश देती है। डॉक्टर, थैंक्स फॉर योर हेल्प। शबरी, थैंक्स, थैंक यू सो मच। अब इतनी छोटी सी बात के लिए थैंक्स किस लिए? ओहो, वो खुश है इसलिए थैंक यू बोल रही है। आप चुप रहेंगे क्या? नंदू, जेके तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ जाओ मिलो। हाय, बहुत खुशी हुई यार। हेलो, अरे थोड़ा साइड हो जाना। अच्छा,
चलो उधर चल के बात करते हैं, इधर डिस्टरबेंस कुछ ज्यादा ही है। इन्हें मौका मिले तो कोर्ट को ही लॉज बना देंगे। नॉनसेंस। थैंक यू नंदू, तुमने मेरे लिए बहुत रिस्क उठाया है। इसमें रिस्क कैसा? मेरी खुशी के लिए तुमने आगे पीछे देखे बिना रघुवीर का खून कर दिया ना, मेरे लिए बड़ी बात अरे, है। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने कहा रघुवीर का खून किया? मुझे तो रात को दिखाई नहीं देता है ना। What? क्या है? Yes, you're right. रात में तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्या बात है? अरे क्या एक्टिंग करता है, ऑस्कर अवार्ड दे दो तो भी कम है। ए, तू कानून की नजर में धूल झोंक सकता है पर इस गब्बर सिंह की नजर में नहीं। अगर झोंक भी दिया तो आपको दिखाई नहीं देगा। Shut up! ये हंसी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं। आप कितने भी प्रूफ लेकर आइए, सारे झूठ हैं, बस एक ही पॉइंट में साबित कर दूंगी। चलो जेके। थोड़ा कम हंसता। आज हम लोगों के इकट्ठा होने का कारण दुगनी खुशी है। पहली खुशी की बात यह है कि इन दोनों की एंगेजमेंट है, और दूसरी खुशी है कि नंदनी केस जीत गई। थैंक यू नंदनी। इसका सारा क्रेडिट अंकल को जाता है, इन्होंने मुझे झूठी रिपोर्ट दिलवाई और तभी मैं केस जीत पाई। झूठी रिपोर्ट? देखिए, आपने जो रिपोर्ट बनाई थी वो झूठी ही थी। झूठी रिपोर्ट? हाँ, तू जो होटल के लिफ्ट में फिंगरप्रिंट्स और गन पे जो फिंगरप्रिंट छोड़ के आया था, अगर उसकी झूठी रिपोर्ट ना देते तो तू बच जाता क्या? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर मेरी नंदिनी उदास हो गई ना तो हम दोनों का प्यार खत्म हो जाएगा। क्या आप चाहते हो कि मैं आपसे बात ना करूं, ब्रेकअप कर लूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छी हैं माँ, मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वो बीमारी के बारे में। कुछ नहीं बेटी, कोई बीमारी नहीं उसे। अब वो क्या है ना, रात को थोड़ी थोड़ी हिम्मत रखोगी तो सब ठीक हो जाएगा। आपका बेटा मेरे साथ है तो कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगी, मुझे उस पर भरोसा है। वो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा माँ जी। हाँ, दिन में भले ही एक बार तेरा हाथ छोड़ दे, लेकिन रात के समय तो तेरा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो क्या है ना, शादी के बाद हम लोग फर्स्ट नाइट नहीं रखेंगे, अब फर्स्ट डे रखेंगे तो चलेगा? आइए आइए। मैंने जो रिपोर्ट दी थी, आपने बिल्कुल झूठी रिपोर्ट दी थी। उस रात को क्या हुआ पता है आपको? जेके, तुमने रात बोला तो मुझे कुछ याद आया। एक्सक्यूज मी मैडम, टू सेकंड्स प्लीज। कौन मैं? अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ, ये लोग इधर उधर उठकर क्यों जा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं तो डबल कंफ्यूज हूँ। आपने डॉक्टरी पास की है ना? मैं, मुझे तो लग रहा है कि फेल हो गए होंगे। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। कहाँ से चुराया? ओ महान आत्मा, तुम चुप रहोगे क्या? मैं सब संभाल लूंगी। हमारे मामले में माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होना है, और हमें खुश रहना है तो फर्स्ट नाइट ठीक नहीं रहेगा, फर्स्ट डे ही अच्छा है। ऐसा मैं नहीं, मम्मी बोल रही थी। बैठो। क्या हुआ बेटा? जेके, माइनस इनटू माइनस प्लस, ओके? वन माइनस मैं हूँ और दूसरा माइनस। भाई जरा इधर आना। अब क्या है? देखो माइनस प्लस प्लस माइनस कुछ भी बकवास करता रहता है, ये सब करने के लिए तू क्या मैथ्स का टीचर है क्या? ये माइनस प्लस उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको कुछ समझ में आया क्या? जिसने साइन किया उसे ही नहीं पता तो अंगूठा लगाने वाली मुझे कहाँ पता होगा। देखो डॉक्टर साहब, ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। देखो पहले तो वो निगेटिविटी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अब उसने हाँ कर दिया तो चुपचाप सगाई कर लेना। सब कुछ क्लियर हो गया तो अब सेलिब्रेशन शुरू करें। ऋषि के तू मैं? ए आजा आजा आजा, यहाँ क्या चल रहा है इससे पहले मैं पूछूं तू ही बता दे। आपकी उम्र हो गई है माँ जी, मैं जो बताऊंगा वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। बता। नहीं माँ जी। बोल कहा ना। फिर अपने दिल को संभाली। ठीक है, वो जो दूर बैठा है ना वो आपका बेटा, उसको रात के समय दिखाई नहीं देता। ये बात मैंने उसे खुद बताई है, आगे बोल। अरे मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। इधर उधर की बात मत कर, जल्दी बता। ये बात लड़की को पता नहीं है क्या?
मेरी बेटी को दिखाई नहीं देता ये बात? उस लड़की को पता नहीं है? एक बात बता, लेकिन कोर्ट में तो इस लड़की ने उस बात को प्रूफ किया था ना? प्रूफ किया वो बात सही है, लेकिन उस बात को वो खुद नहीं मानती। उसे सच नहीं पता। एक बात और है, आपकी बहू को एक बीमारी भी है। उससे उसे भी एक बीमारी है? हाँ। कौन सी बीमारी? नाइटोफोबिया। कौन सा फोबिया? नाइटोफोबिया। बापरे, नाइटोफोबिया मतलब क्या होता है? सुनने में तो बड़ी भयानक बीमारी लग रही है। अरे ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कोई डर जाए। भयानक बीमारी नहीं है तो फिर इतना खींच कर क्यों बोल रहा है? ऐसी बीमारी बता। नाइटोफोबिया मतलब रात के समय पर, मतलब रात में डरने की बीमारी। रात के समय में डर? क्या ये बात? मेरा बेटा जानता है? अरे अरे उसे नहीं पता। नहीं उसे पता है। हाँ। मतलब वो उसे जानता है। हाँ। लेकिन ये बात उसे नहीं पता। हाँ। ये मैं आपको कैसे समझाऊं? अब मैं समझ गई। इसे जो पता है वो उसे नहीं पता। हाँ। उसे पता है ऐसा वो सोच रही है। हाँ। इन दोनों को ये पता है ऐसा तुम सोच रहे हो। हाँ। और हम सबको पता है ऐसा। हाँ। पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गधे, मैंने आपको बोला था कि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी आपने बोला था। बता बता बता। आप यही चाहती है ना, आपके बेटे की शादी हो जाए? हाँ, मेरे बेटे की शादी हो जाए। बस मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ करना बेटा। रिंग दे दो। ये ले, ये ले बेटे। नहीं राघव, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ। मेरे हाथ में गन देखते ही तू मेरा बड़ा भाई बन गया। तुम्हें ट्रिपल पेमेंट दूंगा। मारना मत, मारना मत। वो सारी पेमेंट अपने घर वालों को दे दे। तेरा अंतिम संस्कार अच्छे से करेंगे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई। आपसे और आपके भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने आपके भाई का कत्ल किया है, लेकिन करवाया उसने है। आपने बोला मैंने उसे मार डाला, अब मुझे छोड़ दो भाई। थैंक्स भाई, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलता हूँ भाई। जूनियर, सीनियर को मारने वाले को इतनी आसानी से छोड़ दिया? हम काम खत्म होने के बाद आदमी खत्म करने वालों में से हैं, इसे कैसे छोड़ दूंगा? गलती करने वाला जिंदा नहीं बचेगा। तू क्यों कांप रहा है? हैं? सॉरी भैया, उस रघुवीर को मारने वाला शार्प शूटर ही है और इसने सुपारी दी, लेकिन मैं अब... और तू उस चिकने को दिखाकर मुझे रामायण कथा सुना रहा था? मुझे माफ कर दीजिए भाई, वो चिकना भी सीधा आदमी नहीं है, इन सब की वजह से ही। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मेरे दुश्मन की बड़ाई करते हैं। मैं उसे यहाँ खत्म करने आया हूँ। भाई आप यहाँ खुद नहीं आए हैं, आपको यहाँ बुलाने वाला वही है। Is it? ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। भाई को मरवाया राघव ने, भाई को मारा शार्प शूटर ने, और ये जो बंदा है ये किसी और वजह से 15 साल से एक लड़की मुझे और मेरे भाई को खत्म करना चाहती है, और उसका साथ दे रहा है वो चिकना। मुझे मारने का वादा किया है उसने। मुझ तक पहुँचने के लिए उसने उस नॉट रीचेबल शार्प शूटर को ढूंढने का रिस्क उठाया, और उसके जरिए वो तुम तक पहुँचा। वो खुद को और स्मार्ट समझता है। मैं उसका पाप। उस दिन तूने उस पे गन नहीं तानी थी, बल्कि तू उसके गन के निशाने पे था। तेरे हाथ में डुप्लीकेट थी और उसके हाथ में ओरिजिनल गन। भाई आपको पता नहीं चले इसलिए मैंने ऐसी गलती की। भाई माफ कर दीजिए भाई। तू गधा है तो क्या मैं भी गधा हूँ?
मैं गधों को नहीं पालता। हेलो विठल दास। ओहो नमस्ते बॉस, आ गए ना इंडिया? आना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि तूने अपनी महबूबा से वादा जो किया है। तू जंगल के शेर को अपने घर पे बुलाना चाहता था ना? तू जिस लड़की से प्यार करता है, मेरे आदमियों ने अब तक उसे उठा लिया होगा। मेरी पावर नहीं जानता तू। उसी के साथ आकर उसके सामने ही तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। मेरे अड्डे पर ही आ जा। क्या अड्डा? तेरा अड्डा? सुपर अड्डा तेरा, टाइम मेरा। रात को सूरज डूबने के बाद मिलते हैं, ठीक है ना? मेरे बारे में पूरा छानबीन करके आया क्या? रेमंड्स, I am a complete man. आधी अधूरी जानकारी के साथ मैं कोई काम नहीं करता। See you tonight, unlucky man. यहीं कहीं है, ढूंढो उसे। ए, खड़े क्यों हो? जाओ। देख क्या रहे हो, लेकर आओ उसे। अरे ये कहाँ फंस गया मैं? अरे अरे नहीं, अरे क्या हो गया ये? कहाँ है तू?
मिलकर मुझे खत्म करोगे? हाँ मुझे हा? मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तुझे एक सच्चाई पता है ना, इसे रात को दिखाई नहीं देता। ये हीरो नहीं जीरो है। किसके भरोसे पे आई है तू? मिर्च का पाउडर डालूंगा तो आंखें तो जलेगी ना। अब तू भी अंधा हो गया है, मैं भी अंधा हूँ। ये गेम तो मेरे लिए पुराना है, लेकिन इस समय ये गेम तेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। ब्लाइंड गेम शुरू। तूने उसे मार डाला, वरना वो तो मुझे भेड़ बकरी की तरह मार रहा था, और एक मारता तो मैं मर ही जाता यार। अच्छा हुआ बच गया। हे भगवान, अब क्या हुआ? नागा सब कुछ खोल खाल कर नंगा आ रहा है। हाँ
तुम जिस लड़के से प्यार करती हो उसे रात के समय दिखाई नहीं देता, ये बताना था आपको? इसे बंद कर दो, ये बात मुझे पहले ही पता चल गई है। अरे ओए नागा, उसे उसके बारे में पता है, उसे इसके बारे में पता है। इन दोनों के बीच में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने से पहले तू निकल ले यहाँ से।